गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी सब ठीक है। मैं निमी सामंत आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से। तो अभी बज रहे 11 और हम सब लोग हो गए हैं तैयार दुकान जाने के लिए रोज की तरह। और आज वोटिंग है हिमाचल में, 1 तारीख को थी, आज वोटिंग है हिमाचल में। तो फिर मार दिया। चुप 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 चुप, दादा ने मारा। क्यों मारता है गुन्नू तो उसको धक्का? लोग रूम पे ही है, हम लोग नहीं गए अभी शॉप पे। उसके पापा ने बोला मैं आ रहा हूँ 11:30 बजे तक, तो साथ में ही जाएंगे। तो उनका ठीक है, इतने धूप में निकलने का मन भी नहीं होता है, तो हम लोग बैठे हैं अभी रूम पे। ये लोग हंगामा कर रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं होता है। काम करने का मन नहीं होता है आजकल। बर्तन धोने को पड़े हैं लेकिन मन ही नहीं कर रहा है। धो लूँ, देखती हूँ कब तक आते हैं इसके पापा, नहीं तो थोड़ी देर में धोती हूँ बर्तन वगैरह, साफ सफाई करते हैं, फिर जाएंगे हम लोग दुकान। तो जब निकलेंगे तब दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में। बस तो अभी हम आ चुके हैं शॉप पे। तो दिव्यांश के पापा आए थे हमको लेने के लिए, उन्हें नहाया धोया फिर हमको लेके आए, हम शॉप पे आए। दिव्यांश चला गया अपने पापा के साथ और इतना रोया, रो रो के सो गया बेचारा। बहुत ज़्यादा रोता है वो लोग जाते हैं तो, अगर दिव्यांश नहीं जाता तो नहीं रोता है, अगर वो जाता है तो रोता है बहुत ज़्यादा। तो इतना रोया कि उसको नींद आ गई, थक गया रो रो के बेचारा। तो बस मैं आप करती हूँ साफ़ सफाई, उसको सुलाती हूँ, उसका बिस्तर बना के। तो आज का मौसम हो रखा है, आज बादल लगा है, आज धूप नहीं है, हल्की फुल्की धूप है, लेकिन गर्मी तो वही कड़ाके वाली है। तो गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ रही है। मैं तो एसी चला के बैठी हूँ, 24 पे चलाई है वैसे तो, फिर भी ठीक है आज 24 पे, मतलब ठंडा दे रहा है। तो बस करते हैं साफ़ सफाई, फिर मिलते हैं आप लोगों से साफ़ सफाई करने के बाद। दिव्यांश आ चुका है अपने पापा के साथ से, और ये लेके आया था मैंगो शेक और खाना, लंच लेके आया था हमारे लिए, दाल चावल रोटी सब्जी और रायता। तो हम लोगों ने अभी अभी लंच किया है और दोनों बंदर बैठे हैं ऊपर, देखो दोनों के दोनों बैठे हैं। और मैं तो बस वीडियो एडिट कर रही थी थोड़ी देर में, मतलब 5 बजे डालती हूँ मैं वीडियो अपना। Hello? तो 5 बजे डालूंगी, एडिट वगैरह करके डालती हूँ। थोड़ी देर में उसका होमवर्क कराना है। और कल हमने एक ब्लाउज बनाई थी दिव्यांशी की मम्मी और मैंने, एक ब्लाउज आया था कस्टमर का तो वो बनाया था। तो गाइस ये रहा ब्लाउज जो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, वो संडे को देना है, संडे मतलब कल देना है। अगर वो आएंगी तो कल दे देंगे, परसों आएंगे तो परसों दे देंगे। हेलो गाइस, आयुने मिल तो जिला दिया। तो गाइस अभी हम लोग करते हैं थोड़ी देर रेस्ट दिव्यांश को होमवर्क कराने के बाद, फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे गाइस, अभी अभी दो दिव्यांश सो गया है, आयु थोड़ा सा नाटक कर रहा है, वो कंबल उड़ के, मैंने कहा भूत आएगा तेरे को ले जाएगा, सो जा तू भी। दोनों सो जाएंगे तो थोड़ा मैं अपने साफ सफाई काम कुल कर लूँगी, और नाटक कर रहा है दिखाती हूँ। कहाँ जा रहे आयु? भूत आएगा ना ले जाएगा, रुक जा तेरे को। हयु अच्छा घूम ही जाते हैं देखो। तो गए दिव्यांश को सोने के बाद, अब आयु की चल रही है मस्ती अपनी अलग ही, कभी छुप रहा है कभी मुंह दिखा रहा है। तो हम लोग बैठे हैं अभी, दिन में तो वैसे भी कोई आता तो है नहीं, सुबह से दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं होता। अगर रूम पास होता ना, सोच तो रहे रूम पास लेने के लिए, अगर रूम पास होता जैसे 2 बजे से लेके 3 बजे तक रूम पे चले जाते रेस्ट करने, चाहे ऐसे टाइम पे चले जाते, किसी को फोन आता तुरंत आ जाते,
किसी को कुछ लेना तो फोन कर लेता है, इतने देर हमारा रेस्ट भी हो जाता है। क्या करे, इतनी दूर रूम है, 10-15 मिनट जाने का, 10-15 मिनट आने का, सोच के डर लगता है कि रूम से निकलने का मन नहीं करता है। तो ढूंढ तो रहे हैं, बोला है मैंने एक दो लोगों को, सुमित्रा आंटी को भी बोला है, एक आंटी है हमारे साथ जो से हम बद्दी में आए तब से रहती थी हमारे साथ, उनको बोला है मैंने रूम के लिए, अगर रूम मिल गया ना सिंगल तो हम इधर ही लेंगे, फिर इधर ही रहेंगे, फिर पास हो जाएगा, फिर आना जाना रहेगा दुकान पे, क्योंकि इधर वॉशरूम तो है नहीं जाने के लिए, उसका भी दिक्कत होता है। पता नहीं कैसे दुकान वाले से दुकान ले ली, दिमाग खराब। उस टाइम पे दिया था, बोला अभी बंद करा दिया, पता नहीं क्यों। यार जिस दुकान में जेंट्स होते हैं वहाँ का तो चलो मान भी लो, कुछ नहीं होता है, वो लोग तो चले जाते हैं कहीं ना कहीं, लेडीज का सोचो कितना दिक्कत होता है, सबसे ज़्यादा तो पीरियड में इतनी परेशानी होती है दुकान में। वे दो बच्चों को कभी पोटी आ गई, दोनों बच्चों को देखना, कभी पोटी आ गई, कभी सुसु कर दिया, कहाँ ले जाओ क्या करो। तो गैस मिलती हूँ फिर लोगों को। तो हमारी तो ऐसे ही कट रही है जिंदगी शॉप पे, अभी पहले तो बड़ा अच्छा था, पार्क जाते थे। दीदी छे दिन दी है दीदी, आयु आयु दिव्यांशी तेरे बाल खींचती है, खींचती है बाल खींचती है। अच्छा तेरा नाम क्या है? तो बोलेगा है नहीं, किसी से नहीं बात करता है ज्यादा, बस गाई गाई करते रहता है, वो गया और कुछ नहीं बोलता है। तो करते हैं हम थोड़ा बहुत सफाई और बाहर लगाते हैं कपड़े कुपड़े, तो सारे कपड़े लगा लेती हूँ। मेरे को नींद आ रही है इनको सोते हुए देखते, इसको नहीं आती है नींद, थोड़ी देर सोया बस। तो मैं करती हूँ सारा सामान बाहर, फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो अभी गाइस दिव्यांश और आयु तो सोया ही नहीं था, दिव्यांश उठ चुका है, अभी 7 बजने वाला है, दिव्यांश उठ गया और अभी एक आधा कस्टमर भी आए थे। तो अभी गौतम भैया लोग ना बीच में थोड़े दिन पहले वैष्णो माता गए थे, हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमारा थोड़ा घर के मंदिरों में भी नहीं गए थे, यहाँ भी थोड़ा काम ऐसे ही चल रहा था तो नहीं गए हम लोग। तब वो लोग वहाँ से प्रसाद लेके आए थे, अभी भैया पकड़ा के गए हैं और दोनों बच्चे प्रसाद खा रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए हम लोगों को, अगली बार हम भी जरूर जा पाए। नीचे नहीं गिराते बाबू, प्रसाद माता रानी का प्रसाद है ना, नीचे नहीं गिराते, ठीक है। तो दोनों पर कस्टमर देखती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस आप लोगों से थोड़ी देर में। गाइस अभी बज गया है 8:30 और हम लोग भी बस बैठे ही हैं, आजकल काम बनना ही है, अभी अभी महीना स्टार्ट हुआ है, अब थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट होगा काम, और आ चुकी है हल्की हल्की बारिश। देखो ये लोग मस्ती कर रहे हैं, राजू भैया की बेटी है और गुन्नू और आयु है, और हल्की हल्की सी बारिश आ रही है अभी तो, मतलब एकदम हल्की है, क्या पता अच्छे से आए तो मौसम। तो गाइस 9 बज गया और शॉप क्लोज करने का टाइम भी हो गया, बारिश भी रुक गई है, हल्की सी हुई थी बूंदाबांदी और रुक गई, फिर गर्मी तो वैसे की वैसे। हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पे, और रूम पे पहुँच के मैंने कपड़े अपने चेंज कर दिए हैं, और ये दोनों तो नहाना चालू हो गए, दोनों के दोनों नहा रहे हैं, और मैं तो डिनर करने लगी हूँ, चावल दाल रोटी सब्जी सारा कुछ वहीं से लेके आए थे रेस्टोरेंट से, 10:30 होने के आए हैं, अभी पहुँचे हम लोग रूम पे, तब खाना वाना खाते हैं और दोनों नहा रहे हैं। तो अभी 11-12 बजे तक इसके पापा भी आएंगे, तब तो हम लोग तो सो ही जाएंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।